दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त ऑगी। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। आज हम प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी का डे का 9th और 10th लेवल खेलते हैं। चलो खेलते हैं भैया। और आज हम लोग 9th और 10th खेलने वाले हैं। सनफ्लावर, पी शूटर, वॉलनट में लूँगा, रिपीटर लूँगा, ये लैंटर्न, ये क्या। और तेरे पास इतना सारा प्लांट कहाँ से आए? हे भैया, हमने ये फ्रोजन पी शूटर क्यों लिया भैया? और मुझे क्या पता पर काम आएगा। हाँ भैया, ये देखो दोस्तों, गेम चालू हो गया और भैया ने सनफ्लावर लगा दिया। हाँ, ये वैसे कौन सा लेवल है? ये 9th लेवल है भैया डे का। और हाँ, ये देखो, हमने दो दो सनफ्लावर लगा दिए। अब ज़ॉम्बीज आना भी स्टार्ट हो गए हैं। हाँ, और मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, हमें एक और पी शूटर चाहिए। ये देखो, ये 9th लेवल में दो वेव्स है। अभी तो पहला ज़ॉम्बी आ रहा है, देखो वो कैसे आ रहा है और हमारा पी शूटर उसको कैसे डांस करके मार रहा है। ये देखो, ये हमारे सनफ्लावर भी कैसे डांस कर रहे हैं। हाँ, ओ भैया, आपने ये यहाँ पे माइंड लगा दिया भैया। क्यों लगाया भैया? और तू देखियो क्या करता है ये। हाँ दोस्तों, चलो अब हम अपने घर को सिक्योर करते हैं और अच्छे से प्रोटेक्शन करते हैं, कहीं ये ज़ॉम्बी हमारे घर में ना घुस जाए। और देखियो ये क्या करेगा। हाँ भैया, ये तो फट गया भैया। हाँ, इसका ही वही काम है इसका। अभी सब जगह पे शूटर लगाना पड़ेगा भैया। हाँ, और कोन वाले के लिए दो दो, और वॉलनट भी एक। हाँ भैया, वॉलनट बहुत अच्छा है, मुझे पसंद है भैया। हाँ, और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? और ये वाला सही में ही आ गया। और हाँ, कौन वाला आ गया, कैसे मारेंगे इसको? मैं यहाँ पे सिंगल एक और पी शूटर लगा देता हूँ, वो मेरे पी शूटर को खा नहीं सकता। और नीचे और ऊपर भी पी शूटर लगाना पड़ेगा अभी। हाँ, तीन तीन पी शूटर लगा दिया मैंने, अभी एक भी खा नहीं पाएगा ये। और ऊपर से कौन वाला आ रहा है? चलो, और क्या कर दिया तूने? और चलो खेलते हैं। गलती से हो गया भैया, चलो खेलते हैं फिर से। और मैंने माइंड लगा दिया, और ये दो फ्रोजन पी शूटर एक्टिवेट हो गया, पर मैं रिपीटर लगाऊंगा। ये रिपीटर है क्या भैया? रिपीटर क्या करता है? ये तो रिपीट कर रहा है, और मतलब दो दो पीस छोड़ रहा है मतलब। हाँ, अच्छा लग रहा है। बाकी जगह हमने पी शूटर लगाया है, एक ही जगह हमने रिपीटर लगाया है। हाँ, और रिपीट है, देखा, रिपीट कर रहा है। हाँ देखा, अच्छा है। हाँ, और अच्छा और ही हमको अभी वॉलनट भी लगाने पड़ेंगे, एक रो हमको वॉलनट की लगानी पड़ेगी। हाँ, और बाद में हम पूरा प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और मैंने माइंड हटा दिया। क्यों हटा दिया, रहने देना चाहिए था। और कौन वाला वहाँ से थोड़ी ना आने वाला है, और मैंने फिर भी कोई ना कोई तो आ ही रहा था उधर। कोई भी नहीं आया, वहाँ पर रिपीटर है, और ये इसमें अभी तो ह्यूज वेव आने वाली है। हाँ, पहली वाली ह्यूज वेव आने वाली है, और हमारा प्रोटेक्शन इतना अच्छा नहीं है, फिर भी चल जाएगा, हम बचा लेंगे हमारे घर को। हाँ, और बचा तो लेंगे ही ना, कौन खेल। ये देखो, फिर से आ गया अपनी काठी लेके, और मर भी गया बेचारा। काठी नहीं, लाठी बोलते इसको। हाँ भैया, ये देखो, पहली वाली वेव भी आ रही है। मैं रिपीटर लगाऊं कि नहीं? और लगा दो भैया, लगा रिपीटर काम का है। हाँ, लगा दिया अभी। और वॉलनट भी लगाना पड़ता भैया हमको। और हमारा एक हाथ है तो वॉलनट खा भी चुके हैं ज़ॉम्बीज, इसको निकाल के दूसरा लगाना पड़ेगा, और बाकी की रो में भी लगाना पड़ेगा। हाँ, और क्योंकि इसमें बकेट हेड ज़ॉम्बी है। हाँ, ये देखो, कौन वाले भी आ गए। ये हमारे डे का लास्ट वाला पार्ट है ना भैया? लास्ट वाला बार नहीं, इसको तो 9th लेवल बोलते हैं। हाँ, लेकिन हमारा वीडियो लास्ट ही है ना, इसमें हम 9th और 10th भी कवर कर लेंगे ना। हाँ, और इसके बाद क्या आएगा भैया? डे ही आएगा कि कोई दूसरा आएगा? पर वो नाइट आएगा,
हाँ भैया, मैंने भी देखा था। इसके बाद नाइट आता, फिर पूल आता, फिर फॉग आता और फिर रूफ वाला भी आता। मतलब ये ज़ॉम्बी कितना कष्ट कर रहे हैं भैया हमारे घर में जाने के लिए। कष्ट नहीं उसको बोलते हैं, ये क्या मतलब कोशिश कर रहे हैं। फिर भी हम उनको अपने घर को बचा लेंगे, उनको नहीं जाने देंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा दोस्तों नाइट वाला। प्लीज देखना और सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को। हाँ और ये तो करना ही पड़ेगा। सही में ये बकेट वाला भी आ गया। इसको मारने के लिए थोड़ा कष्ट करना पड़ता क्योंकि ये जल्दी नहीं मरता ना। और कष्ट उसको नहीं बोलते, मेहनत। हाँ वही मेहनत करनी पड़ती। ये देखो भैया ने पिशूटर निकाल के रिपीटर लगा दिया। ओए अभी भैया अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे हैं पूरी बीच वाली रो। अभी भैया रिपीटर ही लगाने वाले हैं। हाँ ओए, मैं तो लगाऊंगा रिपीटर। ये देखो कैसे मार रहे हैं। हाँ ओए, मुझे हमारा प्रोटेक्शन अच्छा लग रहा है भैया। देखते आगे आगे क्या होता है। तो और मैं ज़ॉम्बीज को शवर से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ नहीं निकलते ना भैया वो। और मैं डिग गई, पर मैं कौन से ज़ॉम्बी पे काम होता है वो देख रहा हूँ मैं। और हाँ तो देखने दो ना मुझे तो कॉल। ये देखो ऊपर से दो दो आ रहे हैं और अभी सेकंड वाली वेव भी आएगी। हमारा प्रोटेक्शन तो मुझे लग रहा है अच्छा ही है, बस ऊपर दो बीच में रिपीटर लगाने पड़ेंगे। हाँ ना भैया। और बीच में रिपीटर पीछे है, आगे नहीं है। हाँ वो मैंने देखा ही नहीं। अच्छा है, मतलब हमारा चल जाएगा। और मैं चाहती बॉम्ब फोड़ने वाला हूँ। आप भैया ये सन कलेक्ट कर लो। और क्यों? ये फ्लैग वाला भी आ गया। और इसके लिए मैं चाहती बॉम्ब फोड़ दूँ क्या? फोड़ दो, एक्टिवेट तो है ही। ये फोड़ दिया भैया ने चेरी बॉम्ब। हाँ अभी तो इतने से ज़ॉम्बी उड़ गए। अभी तो एक ही उड़ गया है। हाँ एक ही रह गया है। ये देखो दोस्तों हमने इस लेवल को पार कर लिया। अब इस डे लेवल का भी हमारा लास्ट वाला है, 10th लेवल। चलो उसको खेलते हैं। हाँ इसमें हमें ऐसा लगता है बॉलिंग करनी है फिर से ना। ये कैसे हो रहा है भैया, हमको प्लांट भी सिलेक्ट नहीं करने को मिलेंगे। और अरे ये नया वाला आया है भैया, मतलब ये हमको देता जाएगा और हम रखते जाएंगे। और पर दो दो ज़ॉम्बी को कौन संभाल सकता है। ये देखो भैया यहाँ पे नहीं ऊपर लगाना चाहिए था भैया बॉम्ब, चेरी बॉम्ब। पर मैं चेरी बॉम्ब यहाँ भी लगाऊंगा। हाँ भैया। और मैं पी शूटर लगाने वाला हूँ बहुत अच्छे से। ये देखो ये अच्छा दे रहे हैं भैया। और रिपीटर मिल गया हमें, हमारा काम हो जाएगा ऐसे लग रहा है। हाँ भले भले दिशा वशा। ये देखो वॉलनट कहाँ लगा दिया भैया आपने, वॉलनट ऊपर लगाना चाहिए था। क्यों? ओए माइंड है, चेरी बॉम्ब तो भाई मैं लगा ही दूंगा यहाँ पे। बस चेरी बॉम्ब से एक ही मर गया भैया। और ऐसे ही होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चेरी बॉम्ब मिल रहे हैं भैया हमको। लगा हाँ। दो एक हम यहाँ पे। नहीं और मैं ह्यूज वेव में उसको फोड़ दूंगा। ये देखो हमने फ्रोजन पिशूटर भी लगा दिया। हाँ। फ्रोजन पिशूटर ज़ॉम्बीज को फ्रीज करके रखता है और फिर वो धीरे धीरे चलने लगते हैं उसके कारण, तो हम अच्छे से उनको मार सकते हैं। हाँ और मैं माइंड भी लगाने वाला हूँ क्योंकि जंपिंग वाला भी ज़ॉम्बी इसमें। हाँ लगा दो। हाँ मैंने रिपीटर भी लगा दूंगा मैं कहीं। ये हमने कैसे लगा लिए भैया, इधर उधर इधर उधर, कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे लगाए। तो पर हमारी प्रोडक्शन तो अच्छी है ना। ये देखो भैया ने चेरी बॉम्ब फोड़ दिया। फोड़ना ही था वो भी। और ये देखो जंपिंग ज़ॉम्बी आ रहा है। हाँ भैया लेकिन वो फ्रीज हो गया है, अब वो धीरे धीरे आ रहा है। मैंने चेरी बॉम्ब, अरे वो चेरी बॉम्ब खाने लगा था और वो फट गया। हाँ तब ऐसा ही होता है। ये मारो मारो मारो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हे दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, और आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करना और आपका प्यार हमें देते रहना। हाँ
और बहुत अच्छे से खेल रहे हैं हम लोग और जंप किया, इसलिए मैंने वहाँ पे माइंस लगा दिया। अच्छा था। प्लान था भैया आपका वो। हाँ मैं इस जॉम्बी को डिलीट कर दूँ क्या? नहीं होता भैया वो डिलीट, और मतलब डिग ये लगा दो ना भैया पी शूटर। कौन सा वाला? ये वाला लगाता हूँ। लगा दिया। और ये क्यों निकाल दिया भैया आपने फिर से? और माइंड की रोल थी वहाँ पे, ये देखो फिर से निकाल दिया और डबल पी शूटर लगा दिया, रिपीटर लगा दिया। फिर से वॉलनट लगा दो भैया एक रूम में। और बहुत सारे मिल रहे हैं अभी, वैसे ही मैं ही लगाने वाला हूँ तीन, अभी दो ही हुए हैं, अभी तो वैसे ही मैं ही लगा दूंगा। ये चेरी बम तो हमारे पास तीन तीन बच गए हैं, लगा देते हैं। और मैं ये लगाऊँ क्या? रिपीटर लगा दिया। चंपर ये देखो कैसे खा लिया उसने उनको। हाँ और वो देखो फ्रीज करने होने के लिए आ रहा है एक ज़ॉम्बी। हाँ ज़ॉम्बी फ्रीज होने के लिए आ रहे हो क्योंकि अभी थोड़ी गर्मी है तो उनको ठंडी चाहिए। हाँ ठंडी तो चाहिए होगी, अभी तो गर्मी का मौसम है। हमारे घर में हमने एसी लगाई है इसलिए वो हमारे घर में जाना चाहते हैं और ब्रेन खाना चाहते हैं। हाँ भैया उसको ऐसी भाई और इसको कोई समझाओ मुझे। ये देखो बम फोड़ दो भैया, हमारे पास बहुत सारे हैं। हाँ और मैंने वॉलेट्स की दो भी एक और कंप्लीट कर दी। ये चेरी बम लगा दो भैया। और नहीं लगाने वाला, मैं ही जो एप पे ही लगाऊंगा। और ये देखा लगा दो भैया, मुझे तो लग रहा है हमारे पास बहुत सारा है, अभी ह्यूज वेव थोड़ी देर में आएगी ही। और मुझे डिक करना पड़ेगा। और ये फ्रोजन लगा दिया भैया ने। हाँ मैंने भैया को बोला था कि बॉम लगा दो। और पर मैंने लगाने वाला। ये बकेट वाले को ये खाएगा क्या चॉम्पर? हाँ चॉम्पर खा सकता है। हाँ खा लिया, मुझे पता नहीं था कि वो खाएगा करके। और पर वहाँ से तो कौन वाला आ रहा है? और बकेट भी उसके साथ आ रहा है। यहाँ पे तो दो दो बकेट आ रही है, ऊपर भी दो दो बकेट आ रही है, पर उनको संभाल लेंगे हम लोग। और मेरे पास कितने सारे प्लांट्स हैं और मैंने उनको प्लेस भी नहीं किया। हमारे पास इतने प्लांट्स हैं कि हम कहाँ लगाए, हम यही मतलब जगह नहीं है हमको लगाने के लिए। बहुत सारी है, इतने सारी जगह आया था, तुझे सामने नहीं दिख रहा क्या? सामने नहीं लगाते भैया। क्यों? ये देखो भैया ने बॉम्ब फोड़ दिया, अभी ह्यूज वेव आएगी भैया। एक और फोड़ दूँ क्या? ये देखो सारे ज़ॉम्बी फ्रीज हो गए हैं। एक ज़ॉम्बी फ्रीज नहीं हुआ। हो जाएंगे। हाँ वो भी हो गया। और वो देख बकेट वाले को कितनी सारी पड़ रही है। हाँ ये देखो भैया ने आगे भी लगा दिए हैं। हाँ पूरी जगह प्रोटेक्शन कर दिया है भैया ने। फ्रीज ये देखो ह्यूज वेव भी आ गई है, अब कहाँ से आएंगे भैया? आपने पूरे रो में लगा दिए हैं उनको। और मैं क्या करूँ उसमें? चले बॉम्ब। ये देखो भैया आते ही मर गए, मतलब उनको आने भी नहीं दिया आपने। और ये देखो चेरी बॉम्ब लगा दो भैया है हमारे पास। और ये तो तैयार बन गए, ऊपर चढ़ो ऊपर चढ़ो ऊपर चढ़ो ऊपर चढ़ो। हाँ प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और हमारा नेक्स्ट वीडियो भी कर देना और हमारा नेक्स्ट वीडियो भी देखना और 1000 लाइक कर देना।